रोजगार, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी, नजर आया? आसनों तक, अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा, जीतने के लिए, जीतने के लिए हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पर वैकेंसी निकलता है तो एग्जाम नहीं लिया जाता, एग्जाम ले लिया जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होता है। वाह, मुझे ऐसे लोग मिले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आए हैं। नाम क्या है आपका? सिद्धांत सुमन। और आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। दो युवा हैं, इनकी क्या परेशानी है, हम बात करते हैं, क्या परेशानी लेकर के आप आए थे? देखिए, हम लोग भवन निर्माण विभाग में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग को ट्रेन करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, कोई भी नहीं इसका अप्रेंटिस का वेटेज दिया जा रहा है, ना ही हम लोग ट्रेनिंग देकर के भगा दिया जा रहा है, देकर के बिल्कुल भगा दिया जा रहा है। हम लोगों ने अपना बात रखा लेकिन ऐसा बोला जा रहा है आप लोग का प्रोविजन में नहीं है। अरे भाई, प्रोविजन में नहीं है तो अदर स्टेट्स में कैसे अदर स्टेट्स में दिया जा रहा है अप्रेंटिस को वेटेज दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। पंजाब में अप्रेंटिस होता है लाइनमैन का, उनको परमानेंट जॉब दिया जा रहा है। क्या का था ये? ये भवन निर्माण विभाग का, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग से है, संबंधित है। आप लोग क्या की पढ़ाई करके निकले हैं? हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग, हम लोग पढ़ाई करके निकले हैं और बिहार में कनीय अभियंता जो जूनियर इंजीनियर होती है उसे सीधी भर्ती होती है, बिना कोई एग्जाम के, नंबर बेस पे होती है। तो हम लोग बिहार से ही पॉलिटेक्निक पास आउट है, हम लोग पास नंबर भी है और हम लोग ट्रेनिंग भी की है, उस आधार पर हम लोग चाह रहे थे कि रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस स्किल, बस नेता के भाषण और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है, स्किल का कोई यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिल के आए तो क्या बोले वो लोग? नहीं, वो बोले कैसा, आपका प्रोविजन में नहीं है, नहीं तो हम नहीं प्रोविजन में नहीं है। आप क्यों पूछे, क्यों? उन्होंने बोला कि IAS रवि कुमार से हम मिले तो उन्होंने बोला कि आप लोग को जो इसका फायदा अप्रोक्स रूप से मिलेगा, जैसे आप किसी कंपनी में जाइएगा तो आप लोग उनसे ज्यादा बेटर अच्छा कीजिएगा, इसलिए आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवाया जा रहा है। मींस बिहार सरकार में कितना दिमाग दे रहे हैं वो बोल रहे कि आप प्राइवेट कंपनी में जाइए, मतलब कि वो उसका क्या नहीं है। सर, मैम वो ऐसे ही बोल रहे थे कि वो अपना कानून पढ़ाने लगे, अपना जी स्किल, हम लोग बोले स्किल पे सर ज्यादा जोर दीजिए तो उन्हें इसके भी इनकार कर दिया। बस एग्जांपल देना चाहूंगा, बोले थे मुख्यमंत्री जब जीतने वाले थे बीजेपी ने क्या वादा किया था, कुछ याद है? उन्होंने बोला था अप्रेंटिस करवाएंगे 2.5 करोड़ के आसपास, और उन्होंने रोजगार को लेकर के भी वादा, 19 लाख रोजगार का वादा किया था लेकिन इसका कुछ असर नहीं है। रोजगार कहीं रोजगार नहीं है, 100 अप्रेंटिस को भी वो रोजगार नहीं दे पाए तो आप 19 लाख सिर्फ सपना में। रोजगार 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी, नजर आया? आसनों तक, अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा, जीतने के लिए, जीतने के लिए। टेक्निकल सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आई थी, अभी तक 2 साल हो गया, क्लियर अभी तक नहीं कर पाया। 10 साल पुराना वैकेंसी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। BSCC इंटर लेवल 10 साल होने चला, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पर वैकेंसी निकलता है तो एग्जाम नहीं लिया जाता, एग्जाम ले लिया जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होता है। वाह, यहाँ पर जो है स्किल्ड युवाओं का कोई महत्व नहीं है, स्किल्ड ट्रेंड युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर स्किल्ड युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो स्किल्ड युवा को रोजगार दिया जाएगा तो बिहार राज्य का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है कुछ, कितना भी टैलेंट है। अमेरिका चाइना में पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके स्किल के आधार पर उसे जॉब दिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया तक स्किल युवा कौशल विकास योजना, बस स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बस। भारत में आप जो बिहार में ही रहते हैं आप लोग, बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी हैं, बेरोजगारी है, क्या करिएगा बताइए, अब आगे क्या सोचे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, शादी कैसे करेंगे, क्योंकि कोई बाप बेटी नहीं देगी फिर ऐसे में। देखिए, आगे तो हम लोग को जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करना पड़ेगा आगे जॉब के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग लाइन में क्या 80% सीट खाली इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जॉब नहीं है, जॉब नहीं दिया। 80% सीट खाली है लेकिन उसे भरा भी नहीं जा रहा है, और स्किल करा के सर मैम छोड़ दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ही जॉब नहीं निकलेगा तो बेरोजगार रहेंगे हम लोग, बेरोजगार रहेंगे, ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। हम लोग भवन निर्माण विभाग में अप्रेंटिस ट्रेनिंग किए, हम लोग को बनाया, स्किल देके हम लोग को जूनियर इंजीनियर के लिए परिवार कैसा चलेगा। मैम वही तो मैम बोला उनसे सामने, तो वो बस